गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है गुफाएं। ठीक है, ये भी आपके पर्यटन और साहित्यिक संस्कृति से ही रिलेटेड है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाम है दीपक पर। ओके, तो ये हमारे ये गुफाएं ऐसी होती है, इस टाइप की गुफाएं होती है ना। और ये देखोगे ना तो ये उदयगिरि की गुफा है, और ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। इसको देखते हैं, पहले गुफाओं के बारे में बात करते हैं। मिगेंद्रनाथ की गुफा, मिगेंद्रनाथ गुफा जो है वो रायसेन जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? रायसेन जिले में पड़ती है। अच्छा, इसमें क्या खासियत है? तो इसमें दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स है ना। कौन सी पेंटिंग है? दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स। अच्छा, इसकी खोज कब हुई थी? तो अगर खोज देखोगे तो जुलाई 2009 है ना, यहाँ पर इसकी खोज हुई थी मिगेंद्रनाथ गुफा की। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं उदयगिरि की गुफाएं। उदयगिरि की गुफाएं कहाँ पे? तो पाटनी गांव में, विदिशा, विदिशा जिला है, पाटनी गांव है ना, तो यहाँ पे हुई थी। अच्छा, यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 गुफाएं, टोटल कितनी 20 है? टोटल 20 गुफाएं, उनमें से गुफा नंबर 1 एंड गुफा नंबर 20 ये जैन समाज से रिलेटेड है या जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, गुफा नंबर जो 5 है इसमें है ना, उसमें वराह की विशाल प्रतिमा है। वराह भगवान विष्णु जो है उनका एक अवतार है, वराह अवतार, उसकी विशाल प्रतिमा है। तीसरा अगर हम बात करें तो उदयगिरि की गुफाएं, सॉरी उदयगिरि की गुफाएं पता चल गया विदिशा में। भरतहरि की गुफाएं, भरतहरि की गुफाएं उज्जैन में है ना। इनके बारे में बात करें तो परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था है ना, और सभी चित्र रंगीन हैं इसके। तो किसने बनवाया था? तो पहले नाम याद रखना, परमार वंश के राजाओं ने बनवाया था, 11वीं शताब्दी में बनवाया था, और इसकी जो चित्र वगैरह है ना वो सब कैसे रंगीन चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, भीमबेटका गुफा है। ठीक है, अच्छा एक गुफा है बाघ की गुफा है, इसी में साथ में ही आता है इसके, उसको भी देख लेते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो अगर आप देखना चाहो कि बाघ की गुफाएं कहाँ है, बाघ की गुफाएं इंपॉर्टेंट है ये। तो बाघ की गुफाएं जो है वो धार जिले में है। कौन से जिले में? धार जिले में है ना। तो इसमें 5 गुफाएं हैं, कलात्मक भित्ति चित्र के साथ 5वीं से 7वीं सदी में विंध्याचल की जो पहाड़ी थी उसमें निर्मित बौद्ध विहार, बौद्ध चित्र आदि है इसमें, मतलब मेनली बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं इसमें। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो भीम बेटका की गुफाएं, भीम बेटका गुफाएं कहाँ पर है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है ना, अब्दुल्लागंज रायसेन में भीम बेटका की गुफाएं। अच्छा, भीम बेटका की गुफाओं की जो खोज की थी वो किसने की थी? वी एस वाकड़कर या विष्णुधर वाकड़कर, वाकड़कर वाकड़कर, इन्होंने भीम बेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है ना। अच्छा, भीम बेटका जो है विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीम बेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह। गुफा समूह क्या होता है कि गुफाओं का एक समूह मानो, तो उसको बोलते हैं गुफा समूह। और जो यूनेस्को है इसने विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया हुआ है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडव गुफाओं की बात। तो पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? तो पांडव गुफाएं पंचमणि में है ना, और इनको पांडव गुफा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर अज्ञातवास को गुजारा था। पांडव थे उनको 12 वर्ष का वनवास और 13 अज्ञातवास मिला था, तो अज्ञातवास उन्होंने यहीं पर गुजारा था। मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में। ठीक है, और ये बुद्ध बुद्धकालीन गुफाएं हैं, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर खंडवा में, ओमकारेश्वर कहाँ पे? खंडवा में। और शंकराचार्य ने यहाँ शिव भगवान की आराधना की थी, तो ये हो जाएगा शंकराचार्य की गुफाएं। बिलोवा की गुफाएं, बिलोवा की गुफाएं जो है ग्वालियर में है, कहाँ पे? ग्वालियर में। और 12वीं सदी के शिलचित्र है यहाँ पे, तो बिलोवा की गुफाएं कहाँ पे? ग्वालियर में है और 12वीं सदी के शिलचित्र है यहाँ। लोहानी की गुफाएं, लोहानी की गुफाएं कहाँ पर है? तो धार जिले में। लोहानी की गुफाएं कहाँ पर है? धार जिले में है। ठीक है ना, और ये मुगल कालीन गुफाएं, कैसी है? मुगल कालीन गुफाएं, मतलब बहुत पुरानी है मुगल कालीन गुफाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबरा की गुफाएं है ना। कबरा की गुफाएं जो है वो राजगढ़ में है ना, और 5वीं सदी की ये शताब्दी की गुफाएं हैं, उसमें 11 गुफाएं, 11 गुफाओं का समूह है। कितनी गुफाओं का समूह है? 11 गुफाओं का समूह है। तो कबरा की गुफा है राजगढ़ जिले में है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखिराज गुफा, लिखिराज गुफा कहाँ पर है? तो ये मुरैना में। ठीक है,
मुरैना, मुरैना ऊपर वाला पार्ट है ना, तो लिखिराज की गुफाएं कहाँ पर है? मुरैना में है। और आसन नदी के तट पर 88 गुफाओं का समूह है। कौन सी नदी है? पहली बात तो ये याद रखना, आसन नदी उसके तट पर है। और कितनी गुफाओं का समूह है? तो 88 गुफाएं, 88 गुफाओं का समूह है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, लिखिराज गुफा हो गया। अच्छा, लिखिदांत गुफा चंदेरी में है ना, चंदेरी में है। और ये प्रागैतिहासिक शैलचित्र है इसमें। लिखिदांत गुफाएं कहाँ पे है? चंदेरी में है। और इसमें क्या है? प्रागैतिहासिक शैलचित्र है। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक शैलचित्र है, प्रागैतिहासिक शैलचित्र, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लखवारिया गुफा की, लखवारिया गुफा है, तो ये लखवारिया गुफा कहाँ पर है? तो लखवारिया गुफा की अगर हम बात करें तो शेडोल में है। कहाँ पर है? शेडोल में है। और 16वीं और 17वीं शताब्दी से संबंधित है। कौन सी शताब्दी से? 16वीं और 17वीं शताब्दी से संबंधित है लखवारिया गुफा, शेडोल में है। फिर आती है कलियादेह गुफाएं। कलियादेह गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में है। कलियादेह गुफाएं उज्जैन में है। और ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? शिप्रा, क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है ना, क्षिप्रा नदी के नजदीकी है, पास ही है। तो ये कलियादेह की गुफाएं। आगे हम बात करते हैं धर्म राजेश्वर की गुफाएं। किसकी? धर्म राजेश्वर की गुफाएं। तो अगर धर्म राजेश्वर की गुफाओं की बात करो तो ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। और ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? धर्म राजेश्वर की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर आती है धमनार की गुफाएं। धमनार की गुफाएं भी मंदसौर में ही है। और ये 8वीं 9वीं शताब्दी में बनी थी, है ना, 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाया गया था इनको। जैसे आज 21वीं शताब्दी चल रही है तो 8वीं 9वीं शताब्दी में बनवाया था। और ये भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। खंडगिरी की गुफाएं। खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा में है ना। और खंडगिरी की जो गुफाएं विदिशा में है। और ये जो बौद्ध और जैन धर्म ना, दोनों धर्म से संबंधित है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्म से ये संबंधित मिलती है हमारे पास। एक आती है चंद्रशेखर गुफा। चंद्रशेखर गुफा कहाँ पर है? तो ये टीकमगढ़ में है। चंद्रशेखर गुफा कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। और ये सतारा नदी के, सातारा नदी के तट पर के नियरेस्ट या करीब स्थित है ना, यहाँ वैसे बोल सकते हैं सातारा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी गुफा है? चंद्रशेखर आजाद गुफा, टीकमगढ़ में। वैसे चंद्रशेखर नाम सुन के दिमाग में आता है झाबुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद गुफा कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। नेक्स्ट आती है नवेरी की गुफा। नवेरी की गुफा कहाँ पर है? तो भोपाल में है। नवेरी की गुफा भोपाल में है। प्रागैतिहासिक और धार्मिक गुफाएं ये नवेरी की गुफाएं। अम्बा माई की गुफाएं। अम्बा माई की गुफाएं कहाँ पर है? बैतूल में। और ये भी धार्मिक गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं? धार्मिक। तो अंबा माई की गुफाएं वहां पर बैतूल में है और धार्मिक गुफाएं हैं। पहाड़गढ़ की गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं ये कहाँ पर है? मुरैना में है। और ये प्रागैतिहासिक गुफाएं, प्रागैतिहासिक गुफाएं, ठीक है। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में है और प्रागैतिहासिक गुफाएं। अच्छा, आला उदल की, आला उदल तो फेमस है, पता ही है, मैहर में है। तो मैहर में है। और 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में इनको बनवाया गया था, ठीक है। आपचंद की गुफाएं। तो आपचंद की गुफाएं जो है ये गदेरी नदी के तट पर प्रागैतिहासिक गुफाएं। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, इसमें फर्क होता है। प्रागैतिहासिक क्या होता है? जैसे अगर हम प्रागैतिहासिक की बात करें तो जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, ठीक। तो आपचंद की गुफाएं जो है सागर में है और गंदेरी नदी के तट पर है, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इनको, एक बार देख लेते हैं। जैसे मृगेंद्रनाथ की गुफा है तो कहाँ पर है? रायसेन में। रायसेन कहाँ पर है? तो रायसेन भोपाल के पास है, ये है रायसेन। तो यहाँ पर है मृगेंद्रनाथ की गुफा है। क्या है? मृगेंद्रनाथ की गुफा है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? तो विदिशा में है। विदिशा कहाँ पर है? ये भी भोपाल के पास है, विदिशा में। तो यहाँ पर किसकी गुफाएं हैं? उदयगिरी की गुफाएं है। भरतहरी की गुफाएं कहाँ पर है? तो भरतहरी की गुफाएं उज्जैन में है। कहाँ पे पड़ती है? उज्जैन में पड़ती है। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में, जो धार जिला है इसमें बाघ की गुफाएं है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो अब्दुल्लागंज में, रायसेन में, यहाँ पे है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में। पांडव गुफाएं कहाँ है? तो पंचमणि में। पंचमणि कहाँ है? होशंगाबाद में। पंचमणि
पंचमढ़ी कहाँ पे? होशंगाबाद में है ना। मारा की गुफाएं कहाँ है? तो मारा की गुफाएं सिंगरौली में, ये सिंगरौली। तो मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में। शंकराचार्य की गुफाएं क्या है? तो शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में और खंडवा में। तो ओमकारेश्वर और खंडवा यहाँ पर भी है और ओमकारेश्वर अनूपपुर में। तो इन दोनों जगहों पे मारा की गुफाएं, मारा यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में, बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर। ये ग्वालियर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर है बिलोवा की गुफाएं। ठीक है, लोहानी गुफा, लोहानी गुफा कहाँ है? धार में है ना, जहाँ बाकी गुफाएं वही लोहानी की गुफाएं भी है। कबरा की गुफाएं, तो कबरा की गुफाएं हैं राजगढ़ में। कहाँ पर है कबरा की गुफाएं? राजगढ़ में है। ठीक है, लिखीराज गुफा, तो लिखीराज गुफा है यहाँ पर, मुरैना में। ये है कहाँ पे है? लिखीराज गुफा मुरैना में, ये वाला पार्ट है मुरैना, ऊपर वाला पार्ट। लिखीदांत गुफा, लिखीदांत गुफा है चंदेरी में, चंदेरी अशोकनगर। ठीक है ना, लिखीदांत की गुफाएं चंदेरी में। लखवारिया, लखवारिया की गुफाएं कहाँ पर है? शेडोल में। लखवारिया की गुफाएं शेडोल कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर दिखाई देता है उड़िया के पास शेडोल। तो लखवारिया की गुफाएं, लखवारिया की गुफाएं। कलिया देवी की गुफाएं कहाँ है? तो कलिया देवी की गुफाएं उज्जैन में, जहाँ भर्तहरि की गुफाएं भी है। तो भर्तहरि की गुफाएं, कलिया देवी की गुफाएं उज्जैन में है। ठीक है, धर्म राजेश्वर की गुफाएं मंदसौर में, नीमच के पास है मंदसौर। तो ये धर्म राजेश्वर की गुफाएं मंदसौर में। धमनार की गुफाएं, धमनार की गुफाएं की बात करें तो वो भी मंदसौर में ही है। खंडगिरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में। तो खंडगिरी की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं दोनों कहाँ पर है? विदिशा में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद गुफा, झाबुआ नाम समझ में आता है लेकिन बताया टीकमगढ़ में चंद्रशेखर आजाद गुफा है। जो चंद्रशेखर आजाद गुफाएं कहाँ पर होगी? टीकमगढ़ में होगी। नवेरी की गुफा, नवेरी गुफा भोपाल में, नवेरी नवेरी ये नवेरी, नवेरी की गुफाएं कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, अंबा माई की गुफाएं, तो अंबा माई की गुफाएं बैतूल में। कहाँ पर है? बिल्कुल नीचे देखो, बिल्कुल एकदम नीचे। तो अंबा माई की गुफाएं कहाँ है? बैतूल में। ठीक है, पहाड़गढ़ की गुफाएं, तो पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में, पहाड़गढ़। तो पहाड़गढ़ की जो गुफाएं हैं कहाँ पर है? मुरैना में। आला उदल की गुफाएं की बात करें तो मैयर में, मैयर कहाँ पर है? सतना जिले में। तो आला उदल की गुफाएं कहाँ पर है? मैयर जिले में। और आपचंद की गुफाएं कहाँ है? तो आपचंद की गुफाएं सागर में है। किसकी? आपचंद, आपचंद की गुफाएं। तो ये हमारी पड़ती है सागर में। ओके, तो अभी तक आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नाम है दीपक वर्मा। थैंक यू।